मुरादाबाद के अलग अलग इलाकों में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व। बैंक कॉलोनी में लोहड़ी के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बॉनफायर जलाकर लोगों ने आग की परिक्रमा की और मूंगफली, गजक, रेबड़ी, पॉपकॉर्न खाकर एक दूसरे को लोहड़ी के त्यौहार की बधाई दी। लोहड़ी का त्यौहार यूं तो पंजाब में बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, लेकिन मुरादाबाद में भी इसकी रौनक साफ देखी जा सकती है। मुरादाबाद में भी जगह जगह इस त्यौहार को काफी धूमधाम से मनाया गया। मंजोला थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में लोहड़ी के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बॉनफायर जलाकर लोगों ने आग की परिक्रमा की और मूंगफली, गजक, रेबड़ी, पॉपकॉर्न खाकर एक दूसरे के गले मिले। गौरतलब है कि लोहड़ी का दिन सबसे ठंडा दिन माना जाता है। एक तरफ जहां हार्ट को कपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों से निकलना दुर्भर कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना लोग लोहड़ी का मनाने के लिए अपने अपने परिवार के साथ पूरे जोश के साथ अपने घरों से बाहर निकले। इस मौके पर पंजाबी सॉन्ग की धुनों ने ऐसा समा बांधा कि लोग खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। वहीं चड्डा ग्रुप के मैनेजर पंकज सक्सेना व दीपा सक्सेना का कहना था कि हम लोग यहां पर भाईचारे को कायम रखने के लिए हर वर्ष कॉलोनी में करते आ रहे हैं और सभी को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या उद्देश्य समस्त निवासियों ने लोहड़ी का कार्यक्रम का आयोजन करा, जिसमें सभी मतलब ऐसे नहीं कि हम सब लोग पंजाब के राज्य से, सभी लोगों ने अलग अलग उसके हैं, लेकिन सबने मिलकर उद्देश्य क्या रहा था? उद्देश्य ये रहा कि इसका ये रहा कि बस भाईचारे का संदेश जाना चाहिए कि सभी लोगों ने जी क्या कार्यक्रम आज आज उन्होंने लोहड़ी मनाई है सारे मोहल्ले वासियों ने मिलकर, और हम लोग का इस गाने मिलना जुलना हो जाता है और बहुत इंजॉय करते हैं और भाईचारा बना रहता है।